दो दोस्त थे, एक का नाम रिकी और दूसरे का नाम जेडी था। ये दोनों चिचोरे टाइप के थे। ये एक कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन वहाँ जाकर ये लड़कियों की ताकत झांकी करते थे। एक बार की बात है, ये क्लास बंक करके बियर पीने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे एक सुनसान जगह की तलाश करते हैं। वे एक बंद पड़ी बिल्डिंग में चले जाते हैं, जहाँ बैठ कर ये दोनों बियर पीते हैं। बियर पीते पीते रिकी कहता है कि अगर हिम्मत है तो इस बिल्डिंग की बेसमेंट में चलकर दिखाओ। दोनों बिल्डिंग की बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां काफी अंधेरा होता है। बेसमेंट में जाते समय उन्हें एक कुत्ता दिखाई पड़ता है। इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। बेसमेंट में ही इन्हें एक और दरवाजा दिखाई पड़ता है, जो काफी वक्त से बंद होता है। ये दोनों उस दरवाजे को खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद अंदर जाकर देखते हैं तो ये चौंक जाते हैं। वहां पर एक लड़की की नग्न अवस्था में एक लाश पड़ी होती है, जो कि एक पॉलीथीन से ढकी होती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह लड़की अभी भी जिंदा होती है और उसकी सांसें चल रही होती हैं। जेडी उस लड़की के सिर से प्लास्टिक हटाता है तो उसे वह लड़की बहुत सुंदर लगती है। रिकी जेडी को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन जेडी गुस्सा होकर रिकी के मुंह पर मुक्का मार देता है और कहता है कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। आगे वह कहता है कि अगर तुम यहां से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उसकी बात सुनकर रिकी गुस्से से वहां से चला जाता है। अगले दिन फिर वह दोनों उसी जगह पहुंचते हैं। पहले तो जेडी रिकी से माफी मांगता है, उसके बाद उसे बताता है कि वह डेड गर्ल उठी थी और उसने उस पर हमला किया था और उसे मारने की कोशिश की थी। आगे जेडी बताता है कि उसने उस लड़की के सिर पर कई बार वार किया था, लेकिन वह फिर भी नहीं मरी। उसके बाद जेडी रिकी की गन लेकर उस लड़की पर गोली चला देता है, लेकिन इस बार भी वह लड़की नहीं मरती। इस पर रिकी चौंक जाता है। फिर आगे जेडी बताता है कि लगता है कि यह लड़की यहाँ पर बहुत समय से है और यह मरती भी नहीं है। रिकी को यह सब बहुत अजीब लग रहा होता है, लेकिन इस पर जेडी कहता है कि यह हमारे लिए एक मौका है। हम इस लड़की के साथ वो सब कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसे हम अपनी खुद की सेक्स स्लेव बना सकते हैं। रिकी जेडी की बातों में आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि यह बात वे किसी और से नहीं बताएंगे। क्लास में रिकी को एक लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन उसका कोई और बॉयफ्रेंड होता है। रिकी केवल उस लड़की को ताड़ता ही रहता है। उसी रात रिकी को उस डेड गर्ल की याद आती है। अगले दिन रिकी अकेला ही उस जगह पर जाता है। जब वह उस जगह पर पहुंचता है, वह देखता है कि उसी की क्लास का एक लड़का, जिसका नाम विलर होता है, वह उस लड़की के साथ सेक्स कर रहा होता है। रिकी गुस्सा होकर जेडी से पूछता है कि यह सब क्या है, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम इस बात को किसी और से नहीं बताएंगे। इस पर जेडी कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला था, इसलिए मैंने साथ देने के लिए उस लड़के को बुलाया है। इस पर रिकी कहता है कि यह सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मैं जाकर इन सब बातों को पुलिस को बता दूंगा। लेकिन जेडी को यकीन होता है कि रिकी इन सब बातों को किसी और से शेयर नहीं करेगा। रिकी पुलिस को फोन भी करता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद रिकी अपनी साइकिल को एक दुकान पर बेचता है और उसके बदले बोल्ट कटर लेता है, और बोल्ट कटर लेकर उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वो लड़की होती है। रिकी उस लड़की के हाथ से बधी हुई चैन को उस कटर से काट देता है, लेकिन वह लड़की रिकी पर ही हमला करने की कोशिश करती है। तभी बाहर से जेडी के आने की आवाज आती है और रिकी छुप जाता है। वह लड़की जेडी पर हमला कर देती है। विलर को वहां पर बोल्ट कटर मिलता है। वे दोनों समझ जाते हैं कि यह काम रिकी का ही हो सकता है। जेडी उस लड़की के साथ फिर से सेक्स करता है। अगले दिन कॉलेज में रिकी एक लड़की से बाहर चलने की बात करता है। यह बात उसके बॉयफ्रेंड को पता चल जाती है तो वह रिकी के साथ साथ उसके दोस्त की भी पिटाई कर देता है। इस पर उसका दोस्त विलर यह बोलता है कि हमें किसी और लड़की की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक सेक्स स्लेव है। इस पर रिकी विलर को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जोनी को इस बात का पता चलता है, वह उनसे उस लड़की के पास ले चलने के लिए कहता है। जोनी अपने दोस्तों के साथ उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां पर वह लड़की होती है। जब वे पहुंचते हैं तो वहां पर जेडी पहले से ही मौजूद होता है। उन सबको देखकर जेडी को जरा भी हैरानी नहीं होती। जॉनी उस लड़की को बिल्कुल नग्न अवस्था में बदा हुआ देखता है। वह उसके पास जैसे ही जाता है, वह लड़की उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लेती है। वह दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं ये सब पुलिस को बता दूंगा। इस पर जेडी कहता है कि तुम क्या बताओगे कि तुम एक लड़की का रेप करने आए थे और उसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पर काट लिया था। जॉनी अपने दोस्त के साथ वहां से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में जॉनी की तबीयत खराब होने लगती है। वह टॉयलेट जाता है तो उसे खून की पोटी आने लगती है। जॉनी का फ्रेंड टायर उस लड़की को आजाद करने के लिए उसी बिल्डिंग में जाता है। जैसे ही वह उसे आजाद करने की कोशिश करता है, वहां पर जेडी आ जाता है। टायर जेडी से कहता है कि जब से इस लड़की ने जॉनी को काटा है, तब से उसकी तबीयत खराब हो रही है। अब वह खून की उल्टियां कर रहा है। इतने में वह लड़की टायर को भी काट लेती है। जेडी को अब सारा खेल समझ में आ गया था। जेडी अपनी कार में बैठकर अपने दोस्त को लेकर एक पेट्रोल पंप पर जाता है और वहां से एक लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाता है। लेकिन वह लड़की इतनी तेज होती है कि इन दोनों की चाल बिल्कुल भी कामयाब नहीं होती। तभी वहां जवान आ जाती है और वह जेडी से पूछती है कि बताओ उसके बॉयफ्रेंड को क्या हुआ है, उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है। जॉन को देखकर जेडी के मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे होते हैं। जेडी जॉन से कहता है कि अगर तुम्हें सब कुछ जानना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। थोड़ी देर में
में उस बिल्डिंग में रिकी तलवार लेकर पहुंच जाता है। वह यह सोचकर आता है कि देखता हूं कि वह लड़की आज कैसे नहीं मरती। जैसे वह अंदर जाता है वह देखता है कि वह जगह लाइटों से सजी हुई दिखाई देती है। वह लड़की को जैसे ही मारने जाता है वहां पर उसे जॉन बंधी हुई दिख जाती है। जॉन को देखकर वह हैरान हो जाता है। रिकी जॉन को वहां से निकालने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां पर जेडी आ जाता है। जेडी रिकी से कहता है कि तुम अब अपना सपना पूरा कर सकते हो, तुम हमेशा जॉन के बारे में ही सोचते रहते थे, आज तुम्हें वह मौका मिल गया है। जेडी ने कहा अब हम इसे भी इस लड़की की तरह बना देंगे और दोनों मिल बांट कर खाएंगे। लेकिन रिकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, वह जॉन को वहां से छुड़ाना चाहता था। तभी जेडी का दोस्त व्हीलर जॉन को गलत जगह छोड़ने लगता है। यह बात रिकी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और रिकी गुस्से में व्हीलर का हाथ काट देता है। तभी जॉन उस बंधी हुई लड़की के हाथ खोल देती है। हाथ खोलते ही वह लड़की व्हीलर को काट लेती है। रिकी जल्दी से जॉन को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है लेकिन जिस रास्ते से ये जाने की कोशिश करते हैं वह रास्ता आगे से बंद होता है, इसलिए इन्हें वापस उसी जगह पर लौट कर आना पड़ता है। वह न्यूड लड़की अब और ज्यादा खूंखार हो चुकी थी। वह जेडी पर हमला कर उसके होठों को काट लेती है। हड़बड़ी में जेडी जॉन को चाकू मार देता है। चाकू लगने से जॉन मरने वाली होती है। इसे देखकर रिकी बहुत दुखी होता है। इस पर जेडी रिकी से कहता है कि तुम्हें मालूम ही है कि जॉन को बचाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। अब वह खूंखार लड़की भी वहां से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद रिकी बहुत खुश दिखाई पड़ता है। उसकी खुशी का कारण यह होता है कि जो लड़की उस बिल्डिंग के बेसमेंट में नग्न अवस्था में बंधी थी वह एक जोम्बी होती है। जॉन मरने वाली थी तब रिकी ने उसे उस जोम्बी गर्ल से कटवा दिया था ताकि जॉन भी जिंदा रह सके। अब जॉन भी एक जोम्बी बन चुकी थी। अब रिकी जॉन को एक सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल करता था क्योंकि रिकी पहले से ही जॉन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। ऐसा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।